मैंने कहा था कि शहरों में क्या कारण है जो इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं, बताइए। जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई। अब आप मुझे बताइए कि जनसंख्या क्यों शहरों में ज्यादा है, बताइए। पर क्यों आ रहे हैं नहीं, जोर से बोलो सर। गांव में वो काम नहीं सर, गांव में वो सब सुविधाएं नहीं है, जॉब्स नहीं है, बिजनेस नहीं है, इसलिए हो रहा है। अभी बहुत बड़ा कारण जो प्राकृतिक आपदाओं का है वो ये है कि हम बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग्स बनाते चले जाते हैं, वनों को काटते जा रहे हैं। वनों को जब हम काटते चले जाएंगे तो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, जैसे नेपाल में हुई, जैसे हमारे यहाँ तमिलनाडु में, चेन्नई में क्या आया था, सुनामी आया था। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें हैं। यदि हम वनों का संरक्षण करेंगे, वन में रहने वाले जानवरों का, शेर चीतों का और हिरणों का और पशु पक्षियों का संरक्षण करेंगे तो हमारी जमीन हिलने से बचेगी। क्यों? क्योंकि एक पेड़, ध्यान से सुनना, एक पेड़ जो खड़ा होता है उसकी बहुत सारी जड़ें होती हैं, वो जड़ें जमीन को पकड़ लेती हैं। जब वो जड़ें जमीन को पकड़ लेती हैं तो जमीन का आधार हो जाती हैं और अपना पानी इकट्ठा कर, हाँ बोलिए। तो पेड़ का जमीन के लिए, जमीन का पेड़ के लिए, जमीन और पेड़ का हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। यदि वो नहीं होगा तो क्या होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूकंप, बाढ़ आएंगे, सुनामीज आएंगी और बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाएंगी। कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दमा अस्थमा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, मेट्रोज बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल ये ध्यान नहीं है कि हमारे पास पोल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे गाड़ियां बढ़ रही हैं, जैसे गाड़ियां बढ़ रही हैं फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है तो अस्थमा बढ़ रहा है, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, छोटी उम्र में लोग गंजे होते जा रहे हैं, घुटनों में दर्द होता है, लड़कियों की छोटी छोटी कमर में दर्द होता है, कैल्शियम की कमी हो रही है, B12 की कमी हो रही है, D3 की कमी हो रही है। तो क्या करना है हमें, पेड़ों को उगाना है तो फिर हम प्राकृतिक आपदाओं का होना कम कर सकते हैं। पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं, कम करेंगे तो मौतें कम होंगी। तो कितने लोग हैं जो प्राकृतिक आपदाओं की ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड होंगे? वेरी गुड, फिर से बताएंगे एक बार, हाथ खड़ा कर रहे हैं, वेरी गुड। यहां भी मैं देख रहा हूं काफी है उत्साह, गुड।